जी अब बोली दोस्त को छोड़ दो। दोस्त बोला जी अब को छोड़ दो। मैंने दोनों को छोड़ दिया। आज दोनों के शादी का कार्ड आया है। म्यूजिक अगर तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो दूसरी कास्ट का निकल जाता है। म्यूजिक बीबी से बहस जिंदगी तहस नहस। अब इससे ज्यादा क्या किस्मत खराब होगी मेरी। एक टूटी फूटी गर्लफ्रेंड थी, वो भी बीड़ी पीने लगी मेरे साथ। पार्क में वो मिली थी मुझसे और बोली घर जाके कॉल करती हूँ। 3 साल हो गए हैं, अब तो मुझे फिकर सी होने लगी कहीं वो घर पहुंची कि नहीं। नहीं जब छोटा था तो सब चिढ़ाते थे, तेरी शादी करा देंगे, तेरी शादी करा देंगे। साला अब तो ऐसा कोई मजाक भी नहीं करता। आपको सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। मेरे मास्क की एक कान की डोरी टूट गई। अरे क्या क्या करूं इसका? क्या करूं? क्या करूं इसका? लॉकडाउन के कारण 2 दिन से घर पे बैठा था मैं। पत्नी 10 बार आते जाते समय बोल चुकी है, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। यह समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे बोल रही है या कोरोना को बोल रही है। गजब बेइज्जती है। मैं तो इतना बड़ा सिंगल हूं कि मुझे ये भी नहीं पता कि बाबू लड़के को कहते हैं कि लड़की को कहते हैं। बड़े हरामी हो बेटा। अगर हाथों में खुजली हो तो पैसा मिलता है। आज मेरे होठों में खुजली हो रही है। अब अपने बड़े हरामी हो बेटा। पड़ोसन को मैंने 5,000 उधार दिए और आज वापस लेने गया तो बोल रही आप बहुत हैंडसम हो, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं गए? नहीं। विदाई के बाद दुल्हा ने दुल्हन से कहा, घर से 12 किलोमीटर दूर चली आई हो, अब तो चुप हो जाओ, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन धीमी आवाज में, मुझे खिड़की के पास बैठना है। बड़ा हरामी हो बेटा। कहते हैं मोहब्बत बहुत बुरी चीज है, बर्बाद कर देती है। प्रभु अब मैं बर्बाद होना चाहता हूं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी मेरा देश बाबू सोना से उभरा नहीं था कि ये बुग्गू आ गया। ओ मेरे बुग्गू। आज मैं घर के नीचे दीवार साइड पेशाब कर रहा था, तभी एक महिला ऊपर से बोली, दीवार है दिखता नहीं है। मैं बोला थोड़ा साइड से देखो दिख जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अब तो मैं थक चुका हूँ दूसरों की गर्लफ्रेंड से बात करते करते, मुझे अपनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक दोस्त ने पूछा चाय फायदा करती है या नुकसान। मैंने कहा कोई पिला दे तो फायदा, पिलानी पड़े तो नुकसान। मजा आया।